हिंद, भारत माता की, वंदे, ये सब नारे हम जिस गाने के बाद लगाते ही लगाते हैं, वो गाना आज हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, यह एक ऐसा गीत है जिसे हमारे देश का हर नागरिक गाता है, पूरा गाता है। फिर उसे चाहे संगीत आता हो या ना आता हो, लेकिन उसे इस गीत की पूरी धुन पता है। और यही वो एक सबसे जरूरी चीज है जो किसी भी गीत को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजाने के लिए हमें पता होना ज़रूरी है। और राष्ट्रगान इस गीत की धुन और इसके पूरे शब्द, पूरे बोल हम सभी को पता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारे ऑनलाइन म्यूज़िक क्लास में आप राष्ट्रगान बजाना बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको सिर्फ बजाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि राष्ट्रगान बजाने की एक एक लाइन में आने वाली दिक्कतों का बहुत आसान सा उपाय आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रगान है, इसलिए इसमें गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए आपसे भी सीखते वक्त ही कोई गलती ना हो, इसलिए हम इस गीत की एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से सीखेंगे। और आप जब भी कोई नई लाइन बजाएं, तो उससे पहले पुरानी सीखी हुई लाइन को ज़रूर दोहराएं, उसके बाद ही नई सीखी हुई लाइन उसके साथ कंटिन्यूएशन में आप बजाएं। तो आइए अब बजाना सीखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा नया स्वर मिल रहा है। जैसे पहले हमें वंदे मातरम में दोनों नी मिले थे, अंडरलाइन वाला, बिना अंडरलाइन वाला, सारे जहाँ से अच्छा में दो ग मिले थे, अंडरलाइन वाला ग, बिना अंडरलाइन वाला ग, तो अब देखते राष्ट्रगान में हमें कौन सा नया स्वर मिलने वाला है। जी बिल्कुल, राष्ट्रगान में भी हमें एक ऐसा स्वर मिल रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो है म। लेकिन फर्क अब ये है कि इस म के नीचे अंडरलाइन नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर एक खड़ी लाइन लगी हुई आप देख रहे हैं। तो अब आप भी अपने ड्राइंग पर इस की को ढूंढकर उस पर म लिख लेंगे और ऊपर खड़ी लाइन लगा देंगे। लेकिन याद रहे, इस म के नीचे अंडरलाइन नहीं लगाना है। अब अगर आपने अपने ड्राइंग में ये काम कर लिया है, तो अपने कीबोर्ड पर, अगर आपके पास कीबोर्ड है, हारमोनियम है, तो उस पर भी इस की को ढूंढ लीजिए और राष्ट्रगान बजाना सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और जिनके पास कीबोर्ड, हारमोनियम या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह वो भी अपने ड्राइंग पर बजाना सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रगान की पहली लाइन से, जिसके नोटेशंस और गाने के बोल आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन्हें देखते हुए आइए पहले एक बार सुन लेते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म ग ग ग रे 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 नी रे सा। राष्ट्रगान की पहली लाइन सीखने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो आती है ग बजाने में, क्योंकि पहली लाइन में शुरुआत में ही ये ग बार बार रिपीट होता है, और अगर ध्यान नहीं दिया या जिनको गाना नहीं आता है, उनसे अक्सर ये कभी एक ग ज़्यादा बज जाता है तो कभी एक ग कम बज जाता है, और आपको लगता है हमने तो सही बजाया, लेकिन ट्यून में वो गलत सुनाई देता है। और शुरुआत में ही ऐसी गलती होना, और वो भी राष्ट्रगान में, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और आप जानते हैं कि
कि गाने या बजाने में जब भी कोई गलती करता है तो तुरंत सबकी नज़रें उसकी ओर जाती है, सब उसे देखने लग जाते हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड स्थिति होती है बजाने वाले या गाने वाले के लिए। तो उसको टालना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रगान में तो बेहद ज़रूरी है। तो अब इस गलती को टालने के लिए या इस गलती से बचने के लिए तीन उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि आप जो नेशनल एंथम की ये फर्स्ट लाइन है इसको नोटेशन में बिल्कुल परफेक्टली इसको गा करके याद कर लें। जैसे सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म ग ग ग रे 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 नि रे सा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और अब आप जिस क्रम में और जिस स्पीड में गा रहे हैं वैसे ही कीबोर्ड पर स्वर बजाते जाएंगे तो आपको उसमें कोई गलती नहीं होगी। ये हमारा वही पुराना तरीका है जिससे हमने अभी तक के जो पुराने सभी गाने बजाना सीखा। अब दूसरा तरीका है, हम इस लाइन को तीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन पार्ट्स को गाएंगे और बजाएंगे, और उसको जब वो पार्ट जब हमें बजाना आ जाएगा तब हम दूसरे पार्ट को पहले पार्ट के साथ मिला करके गाएंगे। जैसे देखिए, अभी हम पहला पार्ट जो है इस लाइन का गाते हैं, जन गण मन अधि, इसके नोटेशंस है सारे ग ग ग ग ग ग, बस अभी इतना याद रखना है हमें ग गिनना नहीं है कि जन गण मन अधि, जन में सारे बजेगा और ग न मन अधि तक ग ग बसता जाएगा, सारे ग ग ग ग ग ग इस तरह से पहला पार्ट हमें जब अच्छे से आ जाएगा हम उसे बिना देखे बजा पाएंगे तब हमें दूसरा पार्ट शुरू करना है, और वो है नायक जय हे, इसके नोटेशंस ग ग ग रे ग म ग ग रे ग म नायक जय हे। अब इस दूसरे पार्ट को जब हमें बजाना आ जाएगा तो अब पहला और दूसरा पार्ट एक साथ जोड़ करके हमें प्रैक्टिस करनी है, जन गण मन अधि नायक जय हे, नोटेशंस में सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म जन गण मन अधिनायक जय हे। यहाँ तक अगर हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया तो अब हमें लेना है इस लाइन का तीसरा पार्ट जो है भारत भाग्य विधाता, ग ग ग रे 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 नि रे सा भारत भाग्य विधाता, ग ग ग रे 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 नि रे सा भारत भाग्य विधाता। ये पंक्ति जब बजानी आ जाएगी तो अब शुरू से आखिरी तक पूरी लाइन हमें बजानी है, लेकिन ध्यान रहे पहली बार में ही पूरी लाइन बजाने से पहले हमें हमारे इस लाइन के तीनों पार्ट को अलग अलग रुक रुक कर पहले बजा के चेक कर लेना है कि हमें आ रहा है कि नहीं। जैसे सारे ग ग ग ग ग ग रुक गए, सेकंड पार्ट ग ग ग रे ग म,
आ गया। अब फर्स्ट सेकंड पार्ट पहले बजा लेंगे। सारे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म, फर्स्ट सेकंड पार्ट जोड़ करके अच्छे से आ गया। अब हम तीसरे पार्ट को अलग से फिर से बजाएंगे। ग ग ग रे 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 नी रे सा, सब कुछ बराबर याद आ रहा है, बराबर बज रहा। अब हम शुरू से पूरी लाइन बजाने के लिए तैयार है। अब अगर इन दोनों तरीकों से आप अगर इस लाइन को नहीं बजा पा रहे हैं, या ग कम या ज्यादा बज रहा है, गलती हो रही है, तो तीसरा उपाय अब हमें करना है, जिसमें हम सीधे सीधे नंबर्स का सहारा लेंगे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जना में सारे बोलना है और उसके बाद अधिनायक तक ग जितनी बार बजेगा उतने नंबर बोलना है। जैसे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे ग म, यहाँ जन गण मन अधिना पर रुका जाता है, इसलिए सेवंथ नंबर के ग पे थोड़ा सा रुक के फिर 8 9 बोलना है, जैसे अभी हमने किया। सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे ग म, इसमें हम नंबर्स की जगह सिंपली ग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलते हुए दबाते रहेंगे, ग की को बजाते रहेंगे, तो ये लाइन बजाना आ जाएगा। सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे ग म, ग ग ग रे 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 नी रे सा, ये तो आसान है, ग ग ग रे 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 नी रे सा, ये तो आ जाएगा। दिक्कत जहाँ होती है वहाँ के लिए हमने आपको ये उपाय बताया कि आप उसे नंबर से काउंट करके बजा लेंगे तो आपको आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि एक बार बजाना आ जाने के बाद, अरे ये तो अब मुझे आ गया है, ये तो बजाना आता है मुझे, ये सोच करके उसे छोड़ना नहीं है। इस लाइन को कम से कम 20 बार आपको बजाना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही दूसरी लाइन की तरफ जाना है। तो ये है वो दूसरी लाइन। अरे ये क्या, इसमें भी नोटेशन में आप देखिए, फर्स्ट स्वर का वैसा ही रिपीटेशन है जैसे फर्स्ट लाइन में ग का था। तो अब आपको समझ में आया, राष्ट्रगान की पहली ही लाइन इतनी बारीकी से सीखने में हमने इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रगान में इस तरह की सिचुएशन 3 बार आती है, जिसमें एक ही स्वर का बार बार रिपीटेशन ज़्यादा होता है और फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है अगर हमने ध्यान से नहीं सीखा तो। तो चलिए अब इस लाइन को हम सीखेंगे, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं नोटेशन में है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सा प प प प प प प प प मध प। पता चला कितनी बार प बज रहा है? नहीं ना। तो चलिए अब हम प को भी प की जगह नंबर बोलकर गाते हैं। हाँ, और याद रहे ये नंबर को भी आपको ट्यून की तरह ही बोलना है। देखिए कैसे, सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मध प। अब इसमें 1 से लेकर 9 नंबर बोलने के साथ साथ हमें क्या बजाना है? प, प वाली की को उतनी बार रिपीट करना है। सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मध प। इस तरह से एक बार नोटेशंस के साथ, नोटेशन बोलते हुए या नंबर बोलते हुए आपका कीज पर हाथ बराबर चलने लगा, तो उसके बाद फिर इस लाइन को उसके वर्ड्स के साथ गाना है, पंजाब सिंध गुजरात के साथ, मतलब
बजाना सा प प प प प प ये है, और गाना उसके साथ गाना है पंजाब सिंध इस तरह से, ठीक है ना। देखिए कैसे प प प प प प प प प म ध प पंजाब सिंध गुजरात मराठा। यहाँ एक बात का और ध्यान देना है दोस्तों, इसमें जो म बज रहा है वो ये हमारा नया वाला खड़ी डंडी वाला म है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसको आपने इस वीडियो की शुरुआत में ढूंढ कर और अपने ड्राइंग पर लिख भी लिया था, अब उसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे एक बार और ये स्वर बजेगा तो इस तरह से इस गाने में भी हमारे पहले के दो गानों की तरह दो एक ही नाम के दो स्वर दो अलग अलग कीज पे बजेंगे। तो इस तरह से हमने राष्ट्रगान के पहले पेज की हमारी सारी लाइनें बजा ली हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा के बाद अब सीखते हैं द्राविड़ उत्कल बंग। अब दोस्तों यहाँ से आगे आपको हर नई लाइन को एक बार नोटेशन में और एक बार उसकी लिरिक्स में गीत के बोलों में बजाकर गाकर दिखाया जाएगा। आपको हर नई लाइन को पुरानी सीखी हुई सभी लाइनों के साथ जोड़ जोड़ कर आगे का गाना सीखते जाना है, ठीक वैसे ही जैसे अभी तक की लाइनें सिखाने में हमने आपसे करवाया। तो शुरू करते हैं द्राविड़ उत्कल बंग इस लाइन से। अब देखिए यहाँ देख रहे हो फिर से प स्वर का रिपीटेशन आ गया, तो हम वही करेंगे। अगर आपको ट्यून से याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नंबर्स काउंट करके प बजाएंगे। इस लाइन में भी खड़ी डंडी वाला म बजाएंगे। प 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 म ध प जन गण मंगल दायक जय हे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 म ध प। निरि सा निधनि ध प ध जय हे जय हे जय हे। सा रे रे ग ग रे ग म जय 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 हे। सा रे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म ग ग ग रे रे प प प प प म ध प म म म म ग रे
गम प प प म ग रे म ग ध ग रे 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 नि रे ध प 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 म ध प म म म म म ग रे म ग नि रे ध नि ध नि ध प ध जय हे जय हे जय हे।